इतना दिव्य पर्व है, इतना महान्त है कि इसमें शक्ति इतनी सारी आ जाती कि जो माँ एक दिन बिना खाए नहीं रहती वो तीन दिन तक निराहार रह के निराजल रह के वो सारे प्रिपरेशन करती। और छठ का व्रत बहुत ही पुराना बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, ये पूरब में बहुत पहले मनाया जाता था, अब तो इधर भी मनाते हैं। और ये अपने पुत्र के सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए मनाया जाता था, अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के लिए। और ये तीन दिनों का व्रत होता है, बहुत ही पाक साफ और पवित्र तरीके से इसको मनाया जाता है। पर्व है, पहला पर्व होता है लौकी भात खाने वाला, दूसरा पर्व होता है खरना जिसमें खीर और पूड़ी खाई जाती है। आम की लकड़ी को जला करके और उसमें खीर और रोटियां बनाई जाती हैं और उसको प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और बहुत हर्षोल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इस व्रत को करने में ऐसा महसूस होता है, तीन दिन का व्रत पता नहीं चलता है। यदि आप आस्था रखे हैं प्रभु में, सूर्य भगवान में, तो कोई आपको कष्ट नहीं होगा। भगवान से जो इच्छा रख के आप करेंगे वो सब पूर्ण होगा।